आई एम देवेंद्र राठौड़ फ्रॉम जेनेक्स्ट कंप्यूटर इंदौर। आज सी और सी प्लस प्लस के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लूप। लूप का जो यूज होता है ये हमारे प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा काम में आता है। आप सोचिए, जब आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक यदि एग्जीक्यूट हो गया और आप चाहें कि मुझे वापस ऊपर लेके जाना है, तो ऐसी कोई लॉजिक या ऐसी कोई ट्रिक्स हमारे पास नहीं थी, लेकिन लूप वही प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू हम हमारे प्रोग्राम्स को वापस से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। चलिए, तो हम इसको अब कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वी डिस्कस व्हाट इज लूप। सो कंटीन्यूअस एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स, कंटीन्यूअस एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट टिल कंडीशन इज ट्रू, मतलब जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका एग्जीक्यूशन होता रहे, दैट इज कॉल्ड लूप। There are three basic properties of loop. Loop जो होता है उसकी तीन basic properties होती हैं। सबसे पहले उसकी property होती है initialization of loop counter, मतलब जो आपका loop counter है उसकी initial value, start value assign करना। दूसरा होता है उसमें check condition, मतलब check करना कि आपकी condition true है या false है। Next होता है increment या decrement, मतलब loop में increment या decrement होता है। अब इसको हम पहले conceptual समझने की कोशिश करते हैं। अभी लूप से पहले हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इफ। तो सबसे पहले आप देखें कि इफ में और लूप में क्या डिफरेंस था। इफ जब हमने पढ़ा था इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है थोड़ा सा आप ध्यान दें, ठीक। इसी तरह आज हम जो लूप पढ़ रहे हैं उसका नाम है व्हाइल। व्हाइल का मतलब होता है जब तक, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे बोलता है आपको उसको थोड़ा सा आप ध्यान दें। पहले इसके मैकेनिज्म, मतलब ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है उस पे हम समझते हैं। आज हम पूरी लॉजिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि सर लॉजिक्स कैसे डेवलप होते हैं। आपको यदि उसका मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आता है तो आपको उसके लॉजिक्स क्लियर होंगे। देखिए, आपने देखा ये स्टेटमेंट चलता है, ये चलता है, ये चलता है, इसके बाद आपने इफ दिया, तो यहां पर जो आपने कंडीशन दी है यदि ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ही प्रोग्राम अंदर आता है। अंदर आने पर इस बॉडी के अंदर के लिखे हुए स्टेटमेंट, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद प्रोग्राम कैसे टकराएगा, बॉडी से, और बॉडी से टकराने के बाद आपको पता है ये कहां आ जाता है, बाहर आ जाता है। मतलब कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर आता है, अदरवाइज वो डायरेक्ट कहां आ जाता था, बाहर आ जाता था, ठीक है। ये इफ का मैकेनिज्म था। अब हम वाई का मैकेनिज्म, स्वाभाविक सी बात है नॉर्मल जो आपने स्टेटमेंट लिखे वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। सिमिलरली वाइल में भी यहां पर कंडीशन चेक होगी, यदि यहां दी गई कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो प्रोग्राम अंदर आएगा, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, जैसा इसमें हुआ था। इसके बाद प्रोग्राम कैसे टकराता है, बॉडी से टकराता है। इसमें क्या हो रहा था, बॉडी से टकराने के बाद ये प्रोग्राम क्या होता है, बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, बॉडी से टकराने के बाद प्रोग्राम बाहर नहीं आता, वापस ऊपर चला जाता है। तो हुआ ना, आपका एक पूरा लूप बन गया, पूरा एक सर्कल बन गया, इसलिए इसे लूप कहते हैं। यहां आने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, यदि यहां दी गई कंडीशन वापस ट्रू है तो ये स्टेटमेंट वापस रिपीट हो जाएंगे। फिर प्रोग्राम बॉडी से टकराएगा, बॉडी से टकराने के बाद मैकेनिज्म बोलता है कि इसको वापस ऊपर जाना है, फिर यहां चेक करेगा, यदि यहां दी गई कंडीशन अगेन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट वापस क्या होंगे, रिपीट होंगे, फिर बॉडी से टकराएगा, ऊपर गया। अब मालूम पड़ती कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये बाहर आएगा ना, तो ऊपर से बाहर, मतलब इस बॉडी से वापस बाहर आने की परमिशन नहीं होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड व्हाइल, ठीक है, इसी को हम लूप बोलते हैं। अब इसको अपन एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, लेट सपोज मैंने आपको प्रोग्राम दिया कि सर मुझे स्क्रीन के ऊपर जेनेक्स कंप्यूटर प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे। सर सुभाष सी बात, यदि आपको जेनेक्स कंप्यूटर प्रिंट करना है तो आप प्रिंटएफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, एम आई राइट। प्रिंटएफ स्टेटमेंट में आप क्या लिख देंगे, Genext, और कंप्यूटर भी चाहते हैं तो कंप्यूटर भी, मैंने Genext लिख के इसको फॉलो कर दिया। तो आप प्रोग्राम में Genext लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Genext हो जाएगा। मैंने बोला सर मेरे को पांच बार Genext चाहिए, तो आप क्या करोगे, सर पांच बार Genext लिख देंगे, पांच प्रिंटएफ लगा देंगे, या फिर एक ही प्रिंटएफ में पांच बार हम Genext लिख के स्लैश एन लगा देंगे तो हर नई लाइन पे आ जाएगा, या स्लैश टी लगा देंगे तो टैब के रूप में फॉलो कर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं लिखूं एक बार और मशीन उसको पांच बार चले। अभी तो आपने पांच बार लिखा तो मशीन उसको पांच बार एग्जीक्यूट कर रही, लेकिन अब मेरा टारगेट है कि सर मैं लिखूंगा एक बार लेकिन मशीन उसको पांच बार चलाए। पांच बार की यदि मुझे पचास बार चाहिए तो आप अभी नॉर्मल जो आपने पुराना पढ़ा उसमें आप पचास बार लिखेंगे तब पचास बार प्रिंट होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि सर हम लिखे एक बार और मशीन उसको पचास बार, पांच सौ बार, जितनी टाइम्स आप एग्जीक्यूट कराना चाहे उतना करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। लेट्स सी, सबसे पहले आपको अपनी हेडर फाइल्स डिक्लेयर करनी है, ठीक। इसके बाद void main,
आप अपने फंक्शन को यहां पर डिक्लेयर करते हैं। अब आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर i और इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी आपने 1। फिर यहां पर मैंने कंडीशन लिखी while, मतलब जब तक i इज लेस देन इक्वल टू 5, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 रहेगी तब प्रोग्राम इसके अंदर आएगा। अंदर आके आपको क्या चाहिए, सर मुझे स्क्रीन पे जेनेक्स प्रिंट कराना है। मैंने प्रिंट एफ के अंदर जेनेक्स लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद और ये प्रोग्राम यहाँ मैंने बंद कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ गेट सी एच लिख दिया और ये प्रोग्राम यहाँ से क्लोज हो गया। एम आई राइट? चलिए अब हम देखते हैं ये प्रोग्राम क्या करता है। सबसे पहले प्रोग्राम मेन में आया, मेन के अंतर्गत आया, आई नाम का वेरिएबल है, ये इसकी मेमोरी, आई की वैल्यू कितनी है 1, चेक करेगा क्या 1, आई मतलब 1, तो जहां भी आप आई लिखेंगे उसका मतलब क्या होगा 1, क्या 1 लेस देन है 5 से, आप खुद सोचें, एक छोटा होता है 5 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू, जब कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम अंदर आएगा, अंदर आके आपने क्या स्टेटमेंट लिखा जेनेक्स, तो ये सपोज करो आपने ये आपकी आउटपुट स्क्रीन है, यहां पर स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका जेनेक्स। इसके बाद प्रोग्राम का मैकेनिज्म बोलता है वो कहां से टकराएगा बॉडी से, और बॉडी से टकराने के बाद मैकेनिज्म बोलता है ये कहां चला जाएगा ऊपर, ऊपर जाएगा तो वापस कंडीशन चेक करेगा आई की वैल्यू लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, सर ट्रू है, अंदर आएगा, फिर क्या होगा स्क्रीन पे, फिर दोबारा जेनेक्स प्रिंट हो जाएगा, फिर मैकेनिज्म बोलता है बॉडी से टकराएगा, बॉडी से टकराने के बाद प्रोग्राम वापस ऊपर जाएगा, चेक करेगा आई की वैल्यू लेस देन है 5 से, फिर अंदर आएगा, फिर जेनेक्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो कितनी बार जेनेक्स प्रिंट करेगा, एक बार सोचे आप, क्योंकि सर आपने 5 बोला है, सो आप खुद बताओ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 5 टाइम्स है ना, नॉर्मली हर व्यक्ति को लगता है सर आपने 5 टाइम बोला है तो 5 टाइम, लेकिन नहीं, यहां गलती हो रही, क्या गलती हो रही, चेक इट, आपने आई की वैल्यू कितनी दी 1, है ना, इसको ड्रा एंड रन करना कि प्रोग्राम को कहां कहां एग्जीक्यूट होता है। आई की वैल्यू आपने पहले 1 दी, 1 लेस देन है 5 से, अंदर आया, उसने जेनेक्स प्रिंट कर दिया पहली बार, बिल्कुल ठीक है, बॉडी से टकराया ऊपर गया, तो अभी आई की वैल्यू क्या है सर, अभी भी 1 ही है, वनी है, तो फिर अंदर आके फिर वो जेनेक्स प्रिंट कर देता है, फिर ऊपर जाता है, सर अभी आई की वैल्यू क्या है, अभी भी 1 है, तो आई की वैल्यू क्या है, हमेशा 1 ही है, तो क्या हो रहा है कि वो कभी 5 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, प्रोग्राम जो है वो लूप में अटक जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होता रहेगा, क्योंकि 1 विल बी ऑलवेज लेस देन 5, आई जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा ही 5 से क्या होगी, छोटी होगी, तो ऐसी सिचुएशन में ये एग्जीक्यूशन क्या होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। और आपने यदि ऐसा लिख दिया तो आपको अपने प्रोग्राम में आपके कीबोर्ड में ब्रेक का फंक्शन होता है वो आपको दबाना पड़ेगा, तब जाके आपकी मशीन क्या होगी, रुकेगी, अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप में अटक जाएगी, पर आपकी स्क्रीन पे जेनेक्स 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 प्रिंट होता हुआ ही दिखता रहेगा। लेकिन सर मैं तो 5 टाइम चाहता था, तो अब उसमें प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है कि आप जहां पर भी हो, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने बोला कि ये वैल्यू यहां है उसको यहां तक जाना है, लेकिन वो चल तो रहा है, लेकिन वो वहीं के वहीं चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे क्या करना है, वो जहां भी उससे एक आगे, फिर जहां कदम है उससे एक आगे, फिर जहां है उससे आगे। तो एक बहुत अच्छी चीज आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझे, जब अपन ए प्लस बी का एडिशन करते हैं तो स्टोर कायम में करते हैं सी में, मतलब ए का बी में एडिशन होने के बाद वैल्यू किस में आ जाती है, सी में। लेकिन मैं चाहता हूं सर जो आंसर आया है वो ही आंसर अगली बार क्या हो, यहां पर मुझे वापस एडिशन करने के लिए मिल जाए। मतलब अभी आई की वैल्यू यदि 1 है तो उसके अंतर्गत 1 जुड़ जाए तो वो 2 हो जाए, अब जो 2 है उसमें अगली वैल्यू जुड़ना चाहिए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, अब जो 3 आंसर है उसके अंतर्गत अगली वैल्यू जुड़ना चाहिए 4। तो जब आपको चाहिए कि इस वैल्यू का इससे एडिशन होने के बाद जो आंसर आए, अगली बार वही आंसर आपको यहां पर चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है दोनों साइड आपको जो वेरिएबल है वो कैसा लेना चाहिए, कॉमन लेना चाहिए। इसको हम यहां से समझते हैं, i इक्वल टू i प्लस 1 सी। अब क्या होता है ना, पूरे प्रोग्राम को ध्यान से समझिएगा, है ना, मैं देख रहा हूं सबसे पहले i की वैल्यू आपकी कितनी है 1, आपने चेक किया क्या 1 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आया आउटपुट, ये आपका आउटपुट है, यहां पर जेनेक्स प्रिंट हुआ। अब देखिए जब दोनों साइड आई लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है प्रोग्राम राइट साइड से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे लास्ट होती है, तो आई जहां भी लिखा है इसका मतलब क्या है 1, 1 में आपने क्या जोड़ा 1, 1 में 1 जोड़ा तो वैल्यू क्या हो गई 2, और वो 2 किस में आ गया आपके
आई के अंदर। तो अब आई की वैल्यू 1 से ओवरराइट होके कितनी हो गई है, 2 हो गई। अब प्रोग्राम बॉडी से टकरा आपके ऊपर गया, अब चेक करेगा आई की वैल्यू कितनी है, आपको सोचिए मेमोरी में कितनी है, 2। तो वो चेक कर रहा है क्या 2 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा तो फिर दोबारा जेन नेक्स्ट प्रिंट होगा। अब नेक्स्ट लाइन पे वो क्या चेक कर रहा है, इधर से आएगा आई, तो आई को सोचो अब कितना है, 1 नहीं है, अब आई कितना हो चुका है, 2। तो चेक करेगा 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और वो 3 किस में डाल दिया आपने, आई में, मतलब आई की वैल्यू 2 से रिप्लेस होके कितनी हो चुकी है, 3। फिर उसके बाद मैकेनिज्म बोलता है बॉडी से टकराए, बॉडी से टकराने के बाद ऊपर जाएगा, चेक करेगा इस 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, फिर तीसरी बार जेन नेक्स्ट प्रिंट होगा, चेक करेगा आई की वैल्यू 3, 3 प्लस 1 आपको सोचे कितनी हो जाएगी वैल्यू, 4, और वो किस में चली जाएगी, आई में, आई की वैल्यू 4 हो गई, ऊपर जाके चेक करेगा क्या 4 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, फिर जेन नेक्स्ट प्रिंट करेगा आई की वैल्यू 4 प्लस 1 दैट इज 5, आई में वैल्यू चली गई 5, ऊपर जाएगा चेक करेगा क्या 5 लेस देन है, नहीं, इक्वल टू का आपने सिंबल लगा रखा है तो भी अंदर आएगा, और स्क्रीन पे पांचवी बार जेन नेक्स्ट प्रिंट होगा। अब आई की वैल्यू कितनी है यहां पर, 5 प्लस 1, तो मेमोरी में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब ऊपर जाके ये चेक करेगा क्या 6 लेस देन है 5 से, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होगी तो प्रोग्राम क्या होगा, बाहर आएगा और गेट सीएच, तो गेट सीएच पे जैसे ही आएगा तो आपको स्क्रीन पे पांच बार जेन नेक्स्ट दिखने लग जाएंगे। लेकिन अब आपके थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम बात करते हैं, मैंने गेट सीएच से पहले प्रोग्राम बाहर आया, गेट सीएच आया, उसके पहले यहां पर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा आई, तो आप बताइए इस लाइन का क्या आउटपुट आएगा, सी मतलब आपको क्या चाहिए, आई की वैल्यू, ठीक है, आपको सोचो आई की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मल वे के अंदर अगर मुझे बहुत से लोग बोलते हैं सर 5 होगी, कोई बोलता है 1 होगा, कोई बोलता है 0 होगा, कोई बोलता है गार्बेज होगा, कोई बोलता है 6 होगा, आपको सोचो क्या है वैल्यू। देखिए आई की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, 1 थी, फिर एग्जीक्यूट होके जब आई तो 5 प्लस 1 होके वैल्यू कितनी आ गई, 6 हो गई। जब 6 हुई तब प्रोग्राम से क्या हुआ, बाहर हुआ। अब वो चेक कर रहा है आई की वैल्यू कितनी है, आपको मैं दे रहा हूं 1 है, 5 है, 6 है या गार्बेज है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है 6। तो यदि इसका आंसर आपको 6 दिखता है तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये जब 6 हुआ तब लूप से बाहर आया और उसी के बाद आपने वैल्यू चेक करी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इंक्रीमेंट, ये जो चीज होती है इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट, ठीक है। लूप में हमने जैसा पढ़ा था तीन चीज जरूरी है, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक, इसको बोलते हैं चेक कंडीशन, ठीक, और इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। इस इंक्रीमेंट को आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, आप ऐसा लिखा है आपने i इक्वल टू i प्लस 1, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ i है तो इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं i प्लस इक्वल टू 1, इसका भी मतलब यही है, या फिर i प्लस प्लस, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। सो डियर फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें आपको समझ में आ जाएगा, लूप बहुत ज्यादा काम की चीज है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे।